न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हमारे प्रधान संपादक साबिर भाई मंसूरी के साथ पवन नाहर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय मनोज जी सेठिया का एक छोटा सा इंटरव्यू लेने के लिए। जन आशीर्वाद यात्रा के बाद मनोज जी सेठिया क्या सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, इस जिले के बारे में, और आगामी विधानसभा को लेकर उनकी क्या रणनीति है? हम सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा रहेगा। क्या यहाँ इस झापा जिले में वे सेटिंग एमएलए को तवज्जो देंगे, या फिर यहाँ की जो गुटबाजी है उसको वो किस तरह से देखते हैं, या नए नए जो दावेदार पैदा हो रहे हैं वो किस तरह से देखते हैं, और यदि उनके कार्यकाल में अगर कोई पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानता है और अगर बागी प्रत्याशी के रूप में खड़ा होता है तो वो किस तरीके से देखते हैं, इन तमाम बातों को लेकर आज हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज जी सेठिया से सीधे बात करते हैं। मनोज जी सेठिया, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता और उनके द्वारा किए गए विकास कार्य आज जनता को भलीभांति समझ में आ चुके हैं और जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको सुनने के लिए पूरा जन सैलाब जिस तरह से झाबुआ जिले में उमड़ा है, निश्चित रूप से हम भी आश्चर्यचकित हैं कि वास्तव में मुख्यमंत्री ने जितना किया है और वो जिस तरीके से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, तो जनता ने ये जाना है कि विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, और उसने विकास करके दिखाया है और जनता को हिसाब देने के लिए वो हमारे बीच में आए हैं कि यदि मैंने विकास किया है तो आप मुझे आशीर्वाद दें, और वो भरपूर जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है। नहीं है, जन आशीर्वाद यात्रा ये भारतीय जनता पार्टी की आशीर्वाद यात्रा थी। इसमें युवा मोर्चा, अजा मोर्चा, अजा मोर्चा, किसान मोर्चा, सभी मोर्चे, महिला मोर्चा, सभी ने मेहनत की है और सभी के प्रयासों से ये जन आशीर्वाद यात्रा सफल हुई है। सर, क्या है कि पार्टी के संगठन में सभी को दावेदारी करने का अधिकार है, सब अपने अपने हिसाब से दावेदारी कर रहे हैं। इसको मैं ग्रुप बाजी या गुट बाजी के हिसाब से नहीं देखता हूँ, क्योंकि टिकट मांगने का अधिकार सबको है और उसी हिसाब से उन्होंने अपने बैनर, पोस्टर और स्वागत की तैयारियां की है और उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी टिकट किसको देगी ये अभी कोई तय नहीं है, किस रणनीति के तहत देगी ये भी तय नहीं है, पर यह बात निश्चित है कि पार्टी अपने स्तर पर सर्वे करवा रही है। आईबी की रिपोर्ट, सीबीआई की रिपोर्ट, सीआईडी की रिपोर्ट, इन सारी रिपोर्टों के बाद वे संगठन से भी बातचीत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत खुला बात चलता है कि वे कार्यकर्ताओं से राय शुमारी भी करते हैं, और जब कार्यकर्ताओं की राय शुमारी और सारी रिपोर्टें एग्जाई करके और उसके बाद टिकट डिसाइड होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सिटिंग एमएलए के ही उसमें रहेगी, जो भी दावेदारी में प्रबल होगा उसको टिकट दिया जाएगा। यदि नहीं, वो उस समय के जिलाध्यक्ष और उस समय के संगठन अलग थे। मेरे जिलाध्यक्ष होते हुए मेरे संगठन में यदि किसी ने बगावत की या पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हुआ, तो वो कितना भी छोटा कार्यकर्ता हो या कितना भी बड़ा कार्यकर्ता हो, उसको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। निर्दलीय, वे निर्दलीय एमएलए रहे ही नहीं, वे जब से चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे करके और ये साबित कर दिया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। निर्मला जी सरल स्वभाव की हैं और पब्लिक के बीच रही हैं, हमेशा सक्रिय रही हैं, उनके काम से जनता भी संतुष्ट है, कार्यकर्ता भी संतुष्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीएस डामोर साहब का जहाँ तक प्रश्न है, उन्होंने भी अभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, वे भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं, और ऐसा ग्रुपबाजी जैसा कुछ नहीं है। टिकट मांगने का जैसा मैंने बताया कि सबको अधिकार है, सब टिकट मांग सकते हैं, लेकिन जिसे भी टिकट मिलेगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के और इस चुनाव में फतह हासिल करेगी। संघ की भूमिका तय है, संघ को उनके प्रांत प्रचारक जी उनकी भूमिका के बारे में उनको निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, वो उनको जैसा निर्देश मिलेगा वे वैसा काम सर, इस संघ करेंगे। रखी है, संघ से वे मुक्त हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का वे काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके शामिल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, वो तो ऑलरेडी संघ से आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, वे कोई कांग्रेस से आए हैं या ऐसा नहीं है,
तो वे तो हमारी विचारधारा के लोग थे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने ज्वाइन किया है या पार्टी सभी के नाम पर विचार करेगी। जैसा मैंने बताया ना, दावेदारी करने का अधिकार सबको है। अनेक सर्वे और पार्टी कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करने के बाद ही तय करेगी, संगठन से सलाह मशवरा करने के बाद ही तय करेगी। अच्छा, एक बात देखी जा रही है कि कांग्रेस से लगभग नाम तय हो चुके हैं। झाबुआ से वो विक्रांत भुरिया को लाना चाहते हैं, थानला से वीर सिंह भुरिया का नाम लगभग फाइनल है। तो ऐसी दशा में क्या वीर सिंह भुरिया मेघनगर से आते हैं, तो क्या मेघनगर से जैसे सुशीला भवर का नाम चर्चा में है, राजू डामर का नाम चर्चा में है, तो क्या पार्टी ऐसा सोच सकती है कि दोनों मेघनगर के कैंडिडेट तो ज़्यादा बेटर होगा? नहीं, क्या है कि इसमें कोई क्षेत्रवाद महत्व नहीं रखता है, इसमें लोकप्रियता और पार्टी संगठन की ताकत ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है हमारे दल में। लेकिन कांग्रेस की, जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि कांग्रेस का टिकट फाइनल हो गया, कांग्रेस में वंशवाद चलता है। उनमें कांतिलाल जी भूरिया सांसद हैं, कलावती भूरिया जिला पंचायत अध्यक्ष है, विक्रांत भूरिया को भी वो विधायक बनाना चाहते हैं, तो ये उनमें परंपरागत है, उसके लिए वे दोषी नहीं है। निश्चित रूप से वे वंशवाद को बढ़ावा देते हैं और वंशवाद के कारण ही, मैं बता दूं आपको कि उनकी नीतियों के कारण ही जो जनता वोट देती है उनके बेटे बेटी डॉक्टर या एडिशनल SP नहीं बनते हैं, लेकिन जो वोट लेता है उनके बेटे बेटी वंशवाद की जो परंपरा को कायम रखते हैं उनके बेटे बेटी डॉक्टर और एडिशनल SP बनते हैं। किसी गरीब का बेटा कांग्रेस के राज में डॉक्टर या एडिशनल SP नहीं बना। जयेश की भूमिका संदिग्ध है, वे चुनाव लड़ने की बात तो कर रहे हैं कि हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पर मुझे नहीं लगता है, मुझे ये लगता है कि जयेश को अपनी ताकत, अपना वर्चस्व इस विधानसभा चुनाव में दिखाना चाहिए। अब जयेश का मामला है, वो जाने कि वो मैदान में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, और उतरेंगे तो किसके साथ उतरेंगे। वे भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई प्रस्ताव लेकर के आते हैं तो पार्टी विचार करेगी। अभी कुछ मुख्यमंत्री जननायक हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, और कोई भी उनसे मुलाकात और भेंट कर सकता है। अब मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने किस संबंध में भेंट की, या तो उनके संगठन के या उनकी कुछ मांगे वगैरह हों, उस मांगों वगैरह को लेकर के उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की या समझौता करने के लिए मुलाकात की, इन सब बातों से मैं अनभिज्ञ हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी या अलावास जी मेरे से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं है, कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि इस व्यक्ति को टिकट मिल जाए, तो उसको हम गुटबाजी के हिसाब से देखते हैं। लेकिन जब हमारी टिकट डिसाइड हो जाएगी तो सारी गुटबाजी खत्म होकर के हम सब एकजुट होकर के और चुनावी मैदान में पहुँचेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी, सबका साथ और सबके विकास के नारे को सफल करने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये झाबुआ जिले का सौभाग्य है कि हमारे बीच अभी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के वे पधारे थे, जिसमें जनसैलाब उमड़ा और भव्य स्वागत उनका हुआ। अब वे 7 तारीख को, ऐसी सूचनाएं हमें प्राप्त हुई है कि 7 तारीख को पेटलाव क्षेत्र में नर्मदा प्रोजेक्ट को लेकर के, और जो 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट है और हमारे इस इंदौर संभाग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे किसानों की भलाई होगी, उनके खेतों में पानी जाएगा और किसान 3-3 फसल लेकर के अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे, ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के वे 7 तारीख को हमारे बीच आ रहे हैं। हम उनका 7 तारीख को भी पेटलावत में भव्य स्वागत करेंगे, हजारों की संख्या में जनसैलाब वहां पर भी उमड़ेगा और ये सौगात हमको प्राप्त होगी। सर, ये नर्मदा का पानी जोबट आ रहा है, जोबट से पारा आएगा, पारा से झाबुआ आएगा, झाबुआ से थानला जाएगा और थानला से पेटलावत जाएगा। इससे पूरे क्षेत्र में जो रकबा सिंचाई का है वो सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और हमारे क्षेत्र में सभी का, उसमें चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो ट्रक ऑनर हो, चाहे कृषक हो, सभी की उन्नति और विकास उससे संभव है।